भले ही कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य की योगी सरकार द्वारा लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के इन दावों की पोल खोलने के लिए गाजियाबाद की ये तस्वीरें काफी हैं, जहां एम्बुलेंस में बैठी हुई महिला ने समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण दम तोड़ दिया है। दरअसल दिल्ली निवासी संदीप चड्ढा अपनी सास को लेकर इलाज के लिए गाजियाबाद के MMG अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अपनी सास को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए अस्पताल में बेड ही नहीं मिला। महिला के कोरोना संक्रमित होने के कारण उनकी हालत काफी बिगड़ने लगी और उन्होंने एम्बुलेंस में बैठे बैठे ही इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। एकदम उनके ना सांस उखड़ गई थी, बीमार कफ हो गई थी, सांस उखड़ गई थी। हमने कहा शायद मतलब कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बीमार तो वो पहले से रहते थे। हम फटाफट इनको दिल्ली के हॉस्पिटल में घुमाया, कहीं बेड नहीं मिला, फिर गाजियाबाद लेकर आए। यहाँ पे इन्होंने कोविड में डाला, और जहाँ कोविड सेंटर है वहाँ रिपोर्ट नहीं हो रही। कह रहे रिपोर्ट के लिए 5 किलोमीटर दूर आप एक हॉस्पिटल है, वहाँ से पहले रिपोर्ट करवा के आओ, फिर हमारे यहाँ 5 किलोमीटर वापस आके एडमिट कराओ। इतनी देर में ट्रैवलिंग में मेरी मम्मी पूरे हो गए। ऑक्सीजन की क्या बात रही थी? ऑक्सीजन तो था ही नहीं ना, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला ऑक्सीजन। आपने गाजियाबाद आके ट्राई किया ऑक्सीजन का? वो हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं अपना लाइयो तो हम एडमिट करते हैं, हमारे पास नहीं है। हालांकि जिस समय महिला को गाजियाबाद के अस्पताल लाया गया था उस समय महिला की हालत ठीक थी। इस दौरान अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोविड जांच के लिए कहा गया, लेकिन कोविड जांच में काफी देरी हो गई। हद तो तब हो गई जब अस्पताल प्रशासन ने परिवार को खुद का ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए कहा, मगर ना तो महिला को ऑक्सीजन मिला और ना ही उसे अस्पताल में बेड मिल पाया, जिस वजह से उनकी जान चली गई। भी कोई सुनवाई नहीं है, सब ये ढकोसलेबाजी है, कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई ऑक्सीजन ही नहीं है। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है, सारे नेता मिल चुके हैं, सारे नेताओं ने मिलकर बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा, कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं भाई साहब। वहाँ उन्होंने तो भेज दिया, उन्होंने तो बोला पहले रिपोर्ट करा के लाओ कोरोना की। जब कोरोना का मरीज है तो कोरोना का रिपोर्ट लाने की जरूरत क्या, कोरोना है ही है उनको। अच्छा, उसके बाद 5 किलोमीटर दूर लाके हमारे को रिपोर्ट कराने के लिए यहाँ आना पड़ा। उतनी देर में यहाँ 2 घंटे यहाँ पर वेटिंग हो गई, उसमें डेथ हो गई उनकी, सांस फूल गई। ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी यहाँ पे अस्पताल में भर्ती नहीं। ओ अस्पताल वालों, यहाँ इस ये अस्पताल वाला का स्टाफ तो ठीक है, ये स्टाफ तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे एडमिशन कराने में भाई साहब झाग निकाल दिए इन्होंने। फिलहाल महिला की मौत के बाद परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन और सरकार को खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन इस मामले पर अस्पताल का कोई भी डॉक्टर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।